থাম ছত্তিশগড়কে আমার আপন চ্যানেল নিউজ 36। न्यूज 36 के जम्मो देखवैया मन ला सना और नीरज के जय जवाहर स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज मा। और अब बे रहोगे है अब तक के बड़का समाचार मा एक नजर दौड़ाए के। नान घोटाला के जम्मो 13 आरोपी मन के खिलाफ ईडी हा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला करी पंजीबद्ध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा ट्वीट कर कही पाछू सरकार में ईमन ऊपर काबर नहीं कर हुई केस दर्ज। शिवशंकर भट्ट डी एस कुशवाहा के यदु दिलीप शर्मा के ऊपर केस दर्ज। और सुधीर भोले संदीप अग्रवाल धनेश राम मुनीर शाह के ऊपर केस दर्ज। और रामफुल पाठक सतीश कैवर जेपी द्विवेदी अनिल टुटेजा आलोक शुक्ला के ऊपर घलो केस दर्ज। सरकार बदलत ही माओवादी मन के भी बदली सुर। नक्सली मन के पामेड़ एरिया कमेटी हा पर्चा जारी करत हुए सरकार ले पिछड़े इलाका के विकास पर रखी 17 मांग। रमन सिंह के सोशल मीडिया में चाउर वाला पोस्ट ऊपर बयान के पलटवार करत हुए कांग्रेस कहिस के गरीब मन ला चाउर बांटे के पाछू नान घोटाला के होए है। देखर जांच होए से रमन सिंह तिल मिला गए। गरीबों को चावल बांटने के नाम पर जिस तरीके से नान में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अब जब उसकी परतें उधड़ रही हैं तो रमन सिंह जी बौखला गए हैं, अपना संतुलन खो बैठे हैं। और बौखलाहट में उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, बेहद दुखद है, आपत्तिजनक है। ननकी राम कवर के शिकायत के बाद सरकार ह एसआईटी ले मुकेश गुप्ता के जांच कराथे तेला लेके कोर्ट मा असमंजस के स्थिति बन गए रही। सर मुकेश गुप्ता वाले प्रकरण में मेरा प्रश्न ये है कि विधानसभा में आपने ननकी राम कंवर जी को कहा कि आपका आवेदन मिला है और इस पर जांच हम कर रहे हैं, उसके बाद खबरें आई कि एसआईटी का उसमें गठन हुआ है। इस मसले पे जब मुकेश गुप्ता हाईकोर्ट गए तो वहाँ पर सरकार की तरफ से आपके वकीलों ने जो सरकार के पक्ष रखते हैं उन्होंने इस बारे में मौन साध लिया कि सरकार जाँच करा रही है या नहीं करा रही है। पक्ष क्या है सर, सरकार जाँच करा रही है कि नहीं करा रही? देखिए न्यायालय में क्या बात कही गई मुझे मालूम नहीं है, मैं एजी से बात कर लूंगा, लेकिन सरकार उसके जांच करा रही है, जो शिकायत है उसको दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामला में गठित एसआईटी टीम हां जांच शुरू कर दिए है। टीम हां मामला के पूछताछ पर टेप कांड के मास्टरमाइंड फिरोज सिद्दकीला एसपी ऑफिस बुलाई। भिलाई में एक ट्रांसपोर्टर ला घर घुस के गोली मार के हत्या कर दिए गई। घटना आधा रात लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच के बताए जाते। अटल नगर में विकसित करे जाही देश के पहली नैसर्गिक कोसा अभ्यारण्य। कोसा उत्पादन और रोजगार के दृष्टि ले होही अत्यंत महत्वपूर्ण पहल। 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में करे जाही अभ्यारण्य स्थापित। भ्रष्टाचार के आरोप में शिक्षा विभाग के उप संचालक और तत्कालीन मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी द्विवेदी और लेखापाल वी के सूर्यवंशीला हुई 3 साल के जेल। सुकमा जिला के तेलंगाना बॉर्डर में नक्सली मचाई उत्पात। तेलंगाना रोडवेज के बस और ट्रक ला करे गई आग के हवाले।
मीसाबंदी पेंशन ऊपर सरकार के फैसला, हर महीना मिले वाले सम्मान पेंशन ला बंद करे के निर्देश जारी। राज्य के शिक्षा कर्मी मन के मुख्यमंत्री ले मांग, कहीं जम्मू शिक्षा मंत्री के पहली हो संविलियन, तेखर बाद करे जाए नवा भर्ती। दंतेवाड़ा के संयुक्त जिला कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैठे धरना में, डिप्टी कलेक्टर ऊपर दुर्व्यवहार के आरोप लगात हुए करिस हटाए के मांग। ये कार्यक्रम के प्रायोजक रहे शुद्ध आभूषणों की विशाल रेंज श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स सदर बाजार बिलासपुर। हम सजाते हैं आपके सपनों का आशियाना श्री सिद्धि विनायक होम डेकोरेशन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड बिलासपुर। गीत संगीत को जियो राग म्यूजिक एकेडमी शंकर नगर रायपुर और मॉड जींस दिखें जरा हटके मिशन हॉस्पिटल और टेलीफोन एक्सचेंज रोड बिलासपुर।